अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानं अखिलाधारम आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानुतः गुरूणाराध्यवेदान्तः सारं वक्षे यथामति। अपने वेद का मुख्य रूप से दो विभाग है, एक कर्म का, दूसरा ज्ञान का, जिसको हम कहेंगे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। वैदिक मार्ग का मुख्य रूप से दो ही विभाग है, बीच में आचार्यों ने वेद में जो आंतरिक कर्म का निरूपण है, बाहर एक कर्म हम करते हैं और एक अपने भीतर कर्म करते हैं। जो हम बाहर कर्म करते हैं उसको क्रिया प्रधान कर्म कहा, कर्मकांड। जो आभ्यंतर अपनी चित्त वृत्ति में अपने आराध्य के लिए कर्म करते हैं उसको उपासना कहा। लेकिन दोनों का मूल कर्म है। एक में बाहर की इंद्रिय काम करती है, हाथ से हमने स्वाहा किया, और दूसरे में हम अपनी चित्त वृत्ति को भगवान से जोड़ते हैं। लेकिन मूलतः दोनों कर्म ही है, इसीलिए वेद में तीन विभाग नहीं है, मुख्यतः दो ही विभाग है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। बाद में आचार्यों ने ये जो आभ्यंतर कर्म है उसको भक्ति के नाम से हमारे सामने रखा। तो हम लोग कह सकते हैं साधना में कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये तीन का उपयोग है, लेकिन मूलतः दो ही है। कोई कर्म करते करते उसका चित्त शुद्ध हुआ, और जब चित्त शुद्ध हो गया तो सीधे उसको प्रवेश करना चाहिए ज्ञान के मार्ग में। जब ज्ञान के मार्ग में उसने प्रवेश किया और उसने श्रवण किया कि बस आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा जितना भी कुछ है वो सब अनित्य, क्षणभंगुर, दुखदायी है, ऐसा विचार करते करते श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया और उसके भीतर विवेक की शक्ति जगी, एक बोध वृत्ति पैदा हुई, हाँ मैं आत्मा हूँ और संसार अनित्य है, एक बोध जगता है, मैं सत्य हूँ, नित्य हूँ और जगत क्षणभंगुर, परिवर्तनशील, दुखदायी, बिल्कुल बोध जगता है विचार करते करते। उसके बाद जब साधक अपने चित्त को इस स्थिति में कि मैं आत्मा हूँ टिकाना चाहता है, तो विवेक तो है लेकिन चित्त टिकता नहीं है। ये हमारा चित्त वृत्ति, भले बाहर का जगत हमारे विवेक ने कहा सबका सब प्रतिभासिक है, कल्पित है, स्वप्नवत है, ये बोध होते हुए भी, विवेक में होते हुए भी चित्त वृत्ति हमारी कल्पित जगत की तरफ दौड़ पड़ती है। कैसे? जैसे समझदार से समझदार आदमी भी जादूगर के यहाँ पहुँच जाता है जादू देखने के लिए, अच्छे से अच्छा जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जानता है कि सब कल्पित है, फिर भी सिनेमा घर में पहुँच जाता है। वहाँ सिनेमा में जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सत्य नहीं है, वहाँ का जन्म, वहाँ का मरण, वहाँ पर आग लगना और वहाँ पर पानी से उसका बुझाना, वो जो भी दिखाई पड़ रहा है सिनेमा के पर्दे पर वो पूरी तरह से झूठ है, जानता है, अच्छी तरह से जानता है। अच्छी तरह से जानते हुए भी पढ़ा लिखा आदमी भी सिनेमा घर में पहुँच रहा है ना, अच्छा भला आदमी भी, प्रबुद्ध वर्ग भी जा कर के जादूगर के यहाँ पर जादू देखता है, जानता है कि कल्पित है, जानता है कि झूठा है, उसके बाद भी उसको जा कर के देखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके चित्त में अभी रागादि संकुल है, अभी थोड़ा बहुत उसके चित्त में वासना, राग इत्यादि है, जिसके कारण उसकी चित्तवृत्ति जानने के बाद भी, झूठा समझने के बाद भी उसी तरफ दौड़ पड़ती है।
ये हमारा जो है जीवन का सत्य है, बिल्कुल अनुभव कर रहे हो आप जो है, जानता है व्यक्ति। ये दो दृष्टांत मैं कह सकता हूँ, जादूगर का दूसरे सिनेमा का, दो दृष्टांत। हाँ, और जब जानता हुआ भी उधर दौड़ पड़ता है, ऐसे हमारी चित्त वृत्ति विवेक से, अध्यारोप अपवाद के न्याय से, जब एक बार विचार करके निश्चय कर लिया कि जगत जितना दिखाई पड़ रहा है सब दुखात्मक है, सब झूठा है, स्वप्नवत है, मैं आत्मा सत्य हूँ, उसके बाद भी ये चित्त वृत्ति उधर की तरफ दौड़ पड़ती है। क्यों? वो कहावत है ना कि चोर चोर मौसेरे, जिस चीज़ से ये जगत बना है उसी चीज़ से चित्त भी बना है, पांच महाभूत, पांच महाभूत से। तो पांच महाभूत से सृष्टि बनी और पांच महाभूत से अंतःकरण भी बना उसी से। तो ये अंतःकरण, उसकी चित्त वृत्ति, वो अपनी तरफ को खींच ले जाता है बलात् हठात् अपि, न चाहते हुए भी, के नापि हठे न। तब क्या करें? तब आता है, अब इस स्थिति में देखो एक बात है, जिसको ये विवेक पैदा हो गया कि मैं आत्मा हूँ, ये सारा संसार, ये विवेक पैदा हो गया, उसका पुनर्जन्म नहीं, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये बोध पैदा हो गया, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ और सारा जगत स्वप्न की तरह से बिल्कुल कल्पित है, इसमें जिसकी निष्ठा हो गई, पक्का हो गया, उसको दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये चित्त है, कल्पित चित्त है, तब तक ये चित्त बाहर जाएगा तो बाहर का सुख, बाहर का दुख चित्त को प्रभावित करे। अब क्या करें? बोले फिर हमारे चित्त में बाहर का जो विषय है उसके कारण सुख दुख आते ही क्यों है? इसको हम कहते हैं ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठा, दोनों में फर्क करना चाहिए। हाँ, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम। तो जिसको विवेक हो गया, एक बोध हो गया, जगत मिथ्या है, मैं आत्मा सत्य हूँ, उसको हमने कहा ब्रह्मज्ञानी, आत्मा ही ब्रह्म है, ये दृढ़ निश्चय हो गया, मेरी आत्मा जो है वही व्यष्टि और समष्टि चेतन एक है, यह ज्ञान हो गया, वो ब्रह्मज्ञानी हो गया। लेकिन निष्ठा नहीं हो पा रही क्योंकि चित्त उधर चला जाता है। जब उधर चला जाता है तो कई ब्रह्मज्ञानी का भी पुनर्जन्म नहीं है, बिल्कुल पुनर्जन्म नहीं है। आप भूमिका में चौथी पांचवी, हाँ, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, ये तीन पहले की, सत्वापत्ति और सत्संगति, ये दो भूमिका में है, ये दो भूमिका में ब्रह्मज्ञानी। हाँ, तो सत्व अंतःकरण सात्विक है, संसार से अब आसक्त नहीं हो रहा, चित्त वृत्ति चली जाती है। तो अभी और साधना करने का मन हुआ नहीं, मैं मेरा चित्त जाते क्यों है, जाते क्यों है संसार की तरफ? एक बार संसार की तरफ चित्त जावे फिर दुखी हो, जब जान गया हूं कि झूठा है तो क्यों जाता है उधर, जान जाता हूं कि सब कल्पित है तो क्यों जाता हूं? तो मैं इस चित्त को रोक लूं, पूरी तरह से रोक लूं, ना रोकेगा तो भी कोई फर्क नहीं, रोक लेगा तो जब तक चित रहेगा उसमें दुखाकार वृत्ति सुखाकार वृत्ति नहीं, तब आएगा योगश्चित्त वृत्ति। अब आएगा हमारे योग, योग का उपाय क्या है? ये जो चित्त हमारा जानते बूझते हुए भी ये जादू की तरफ दौड़ता है तो देख लो, रोक लो इसको। कैसे रोके? तो एक उपाय है, कई कई बार महापुरुष लोग, जो ऐसे महापुरुष हैं ज्ञानी वो भी अपना ध्यान कर रहे हैं, मन में आता है महात्मा बुद्ध को ध्यान करने की क्या जरूरत, उड़िया बाबा को ध्यान करने की क्या जरूरत, तपोवन महाराज ध्यान करने क्यों बैठे हुए, क्यों बैठे, वो तो सिद्ध है, वो तो ब्रह्म स्वरूप है, क्यों बैठ रहे? बोले नहीं, ये चित्त वृत्ति हमारी उधर, वामदेव जी महाराज पढ़ रहे हैं, खंडन खंड खा पड़ा करते थे उस समय, जो काय के लिए कर रहे हैं, बोले चित्त वृत्ति जा भी रोक लो इसको, तब हमारा योग का उपाय। तो योग का जो उपाय है, योग का परम लक्ष्य है हमारे चित्त का भटकना रुक जावे, योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त हमारा पूरी तरह से रुक जावे अपने स्वरूप अपनी महिमा, ये हमारे योग का उपाय। कैसे रुकेगा? तो इसके आठ सीढ़ियां हैं, हम कई बार बड़े प्यार से समझा देंगे, जनता भी लोग भी सुनने वाले खुश हो जाते हैं, क्योंकि सीढ़ी कैसी है, तो हमने कहा बिजली से चलने वाली एस्केलेटर, पहली सीढ़ी पर चढ़ गए, सत्संग वाली सीढ़ी पर चढ़ गए, तो अगली सीढ़ी पर अपने आप ही
पहुँच जाओ तो सुनने वाला भी खुश, सुनाने वाला भी खुश, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, बस वो वाली हालत हो गई। वो झूठ है, वो हेत्वाभास है। तो वो सत्संग की महिमा का अर्थवाद है, अर्थवाद शास्त्र की भाषा में सत्संग की महिमा का अर्थवाद है कि जो सत्संग में आ गया पहली सीढ़ी पर चढ़ गए, और पहली सीढ़ी पर चढ़ गए तो अपने आप जैसे चलती हुई सीढ़ी चढ़ती चली जाती है। तो वो जो हम लोग कभी प्रवचन में शायद मेरे से सुना होगा, संभव था कि सत्संग में आ गए आप चलती हुई सीढ़ी पर चढ़ गए, घबराओ मत अपने आप पहुंच जाओगे, वो अर्थवाद है, सही नहीं। अब देखो अर्थवाद पढ़ा है अभी, अपने विषय की प्रशंसा करना, वो हमारे ज्ञान हमारे सत्संग की प्रशंसा का था। अब मैं वही बात फिर कहूँ तो झूठा है, पूरी तरह से झूठा। करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल करना पड़ेगा। बात कैसी है पहले की, जब समझ जावे तभी बढ़िया, जब जागे तभी सवेरा। तो अब आठ सीढ़ी है, कौन सी आठ सीढ़ी, चलने वाली नहीं, सीधी ऐसी सीढ़ी है जिस पर कदम बाय कदम चलना पड़ेगा। और चलने के लिए पहले तरीका क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है तो सावधान से समझो, एक सीढ़ी पर पांव जमा लेता है तब दूसरी सीढ़ी के लिए पांव उठाता है। अगर ठीक से पांव जमे ना और दूसरी सीढ़ी के लिए पांव उठा लेवे, गिर पड़ेगा और चोट लग सकती है संभवतः। हाँ, तो चढ़ने का तरीका यही होता है। हमको डॉक्टर ने कहा जैसे बच्चा चढ़ता है वैसे सीढ़ी चढ़ो स्वामी जी, कभी ज़रूरी चढ़ना हो तो सीढ़ी चढ़ो मत, मना किया। लेकिन अगर चढ़ना है तो चाइल्डिश तरीके से चढ़ो। जैसे बच्चा देखो तो पहले जो बकैया चलता है दोनों हाथ पांव से, तो एक सीढ़ी पर जम जावेगा, फिर हाथ उठा के दूसरी सीढ़ी के लिए रखता है। तो उनका ऐसे एक साथ एक पांव रखो, दूसरा पांव दूसरे पर, ऐसा मत चलो, मतलब एक पांव रखो फिर दूसरा पांव रखो, जम जावे तब आप पांव उठाओ। ऐसे ही अगर समझदार हैं तो इस तरीके से चढ़ो। तो आठ सीढ़ी जो योग की है, पहले एक पर जम जाओ तब दूसरी पर रखो, दूसरी पर जम जाओ तब तीसरी पर रखो, तीसरी पर जम जाओ तब चौथी पर रखो। और अगर पहली दूसरी पर आपका पूरी तरह से टिकाव नहीं हुआ और सीधे चौथी पर पहुंच रहे हो तो कभी भी जो है वो फिर वास्तविक योग नहीं। यहाँ पर इसको हम कहते हैं क्रम समुच्चय, यहाँ पर क्रम समुच्चय है। क्रम समुच्चय माने एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया को करनी पड़ेगी। जैसे खेत में पहले हल चलाओ, पहले बीज मत डाल दो, क्रम समुच्चय है। पहले हल चलाया, मिट्टी भुरभुरी हो गई, उसके बाद उसमें बीज डालो, उसके बाद उसमें जो है बीज डाला, दूसरे दिन पानी मत डाल देना। अगर बीज डालने के दूसरे दिन बाद पानी डाल दिया तो ऊपर की मिट्टी चिपक जाएगी, नीचे का अंकुर निकल नहीं पाएगा। तो तीन चार दिन हो जावे, जब अंकुर निकल आवे तब पानी डालो, उगेगा नहीं तो तुरंत पानी मत डाल। क्रम है, एक क्रम है, पहले खेत को जोता, फिर बीज डाला, फिर अंकुर निकल आया तब पानी डाला, उसके बाद में अब कुछ दिन हो जावे और उसमें खरपतवार निकल आवे तब निराई गुड़ाई करो। निराई गुड़ाई करके उसके खरपतवार निकाल के तब खाद डालना कि पहले खाद डाल दोगे। अब खेत में खर जो लगा हुआ है और उसी समय खाद डाल दो बड़े प्यार से, तो आपके वो जो ताकत दिया उस ताकत को वो घास खा जावेगी। तो आप पहले उसको निराई करो, उसके बाद खाद। देखो एक क्रम है ना, भोजन बनाने में व्यवहार, आपकी गाड़ी चलाने का क्रम है, पहले फर्स्ट गियर पे डालो उसके बाद, क्रम है। ऐसे योग में क्रम है। ये हमको बताने का इस पर जोर क्यों दे रहा हूँ, इसका कारण है क्योंकि ज़्यादातर पहली और दूसरी सीढ़ी को तो लोगों ने दिया छोड़ और तीसरी सीढ़ी पर जाके गए चिपक। कौन सा तीसरी सीढ़ी? आसन है ना। पहली दूसरी सीढ़ी मतलब पहली सीढ़ी मजबूत हुई नहीं, दूसरी सीढ़ी मजबूत हुई नहीं और बस आसन करना शुरू कर दिया। क्या करने गए थे? बोले योगा करके आ रहे हैं। क्यों क्यों योगा करके आए? बोले स्लिम होना है, आजकल स्लिम होने के लिए भी योगा चलता है। हम पढ़ लेते आस्य अंगानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधया, आठ अंग यहाँ पर नाम गिनाए। तात्र अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, ये पांच चीज यम है। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांच यम है।
पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी है शौच संतोष तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, नियम में पांच चीज। तीसरी चीज है देखो अपने आप ही बता दिया, कार चरण आदि संस्थान विशेष लक्षणानि पद्म स्वस्तिक आदि नी आसनानि। कार चरण हाथ और पाँव को टेढ़ा मेढ़ा करना, कार चरण आदि संस्थान विशेष लक्षणानि, पाँव को उठा करके ओंठ से लगाओ, इस तरीके से जो हैं कौन नाम दे दिया पद्म स्वस्तिक आदि, और इसमें बहुत सारे आसनों का नाम आता है, इसका नाम है आसन। रेचक पूरक कुंभक लक्षणा प्राण निग्रह उपाया प्राणायामा। रेचक पूरक और कुंभक ये तीन प्राणायाम के लक्षण हैं। कौन कौन से? रेचक, रेचक, रेचक माने हम जो भीतर से श्वास बाहर निकालते हैं उसका नाम रेचक। जो भीतर श्वास लेते हैं पूरक, और भीतर जो श्वास को रोक लेते हैं उसका नाम हुआ कुंभक, अंतःकुंभक बाह्यकुंभक दोनों, इसका नाम है प्राणायाम। इंद्रियाणाम स्वस्व विषयेभ्य प्रत्याहरणम प्रत्याहार। प्रत्याहार माने इंद्रियां का जो अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ रही हैं वहां से वापस लौटा लाओ। जैसे गाय चरने के लिए गई, चर लिया, शाम को वापस लौटा लाओ, ऐसे इंद्रियों को अपने अपने विषय से वापस ले आओ और अपनी आत्मा में लगाओ, इसका नाम है प्रत्याहारा, प्रत्याहरणम, वापस ले आओ। केवल नाम गिनाया है यहाँ पर, उसकी व्याख्या नहीं किया है किसी का, इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नाम गिनाया हुआ है, नाम सुन लो, बाकी समझना हो तो पातंजलि योग प्रदीप पढ़ो, योग प्रदीप है तो नाम है। अद्वितीय वस्तुनी अंतर इंद्रिय धारणम धारण, अद्वितीय वस्तुनी, अद्वय वस्तु में सप्तमी, अद्वितीय वस्तुनी अंतर इंद्रिय, जो अंदर की इंद्रियां हैं उनको जा करके अद्वितीय वस्तु में लगा दो। अंतर इंद्रिय कौन? मन बुद्धि, मन बुद्धि अंतर इंद्रिय है, क्योंकि पांच ज्ञान की हैं, पांच कर्म की, और मन बुद्धि उसको भी हमने इंद्रिय माना, बस इतना अंतर इंद्रिय है, सबके साथ जुड़ा होता है, तो अंतर इंद्रिय माने मन बुद्धि, इसको अपने अद्वितीय वस्तु में ले जा करके लगा दो। धारणा माने धार दो, कहते हैं रख दो, पक्का करके वहाँ पर टिका दो, इसका नाम है धारणा। तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद विच्छिद अंतर इंद्रिय वृत्ति प्रवाहो ध्यानम। क्या है अद्वितीय वस्तुनि में जब हम अपने मन को लगाते हैं तो विच्छिद विच्छिद रुक रुक जाता है, भाग भाग जाता है। अद्वितीय वस्तुनि में, अद्वय वस्तु में, आत्मा में जब हम अपनी बुद्धि को टिकाने की कोशिश करते हैं तो ये मन बुद्धि बाहर भाग जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इसको खींच खींच के जब जब याद आवे ला करके आत्मा में लगाओ, इसका नाम है ध्यान, इसका नाम है ध्यान। अंदर अंतर इंद्रिय वृत्ति प्रवाह हो, कोशिश करो, ले आओ भीतर लगाओ, इसका नाम ध्यान। समाधि, समाधि स्तूकता सविकल्प का ये, समाधि तो पहले बता ही दिया हमने, सविकल्प और निर्विकल्प, समाधि तो बता ही दिया, हो गया। क्या ईश्वर पर ध्यान? क्या ईश्वर पर विश्वास? ये नियम है, नियम में है कि हमको अपने चित्त वृत्ति को बस में करना है, और अगर संसार के दुखों से चित्त परेशान होता है तो भगवान को कर्ता धर्ता मान करके भी चित्त हमारा शांत होता है तो हम मान लेते हैं। ऐ साधन, भगवान साध्य नहीं है योग दर्शन में, भगवान साधन है, साध्य है चित्त वृत्ति को रुकना, हमारी चित्त वृत्ति रुक जाए, ये साध्य है। और साधन प्राणायाम भी साधन है, जिस तरीके से जिस जिस चीज़ से हमारा चित्त बाहर भटकता है वो सब को यम नियम में लाके लगा दिया, इससे चित्त भटकता है इसको मत करो, इससे चित्त भटकता है इसको मत करो, ईश्वर पर विश्वास करने से चित्त रुकता है, विश्वास कर लो, यही खासियत है सांख्य से और योग में। सांख्य दर्शन पूरी तरह से निरीश्वरवादी, और यहाँ पर ये सूत्र आ जाए, योग दर्शन में सूत्र है ईश्वर प्रणिधानात् च, ईश्वर प्रणिधानात् च, ईश्वर के ऊपर विश्वास से भी मन रुकता है। फिर प्रश्न किया ईश्वर कौन,
तो उसका उत्तर देंगे योग दर्शन में, क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर, ये सूत्र है, ईश्वर की परिभाषा है वहाँ पर, बहुत बढ़िया परिभाषा है कल्पन, क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसा वहाँ पर परिभाषा। चलिए हाँ, अब एक और बात बताते, जब कोई ध्यान करने लगता है, ध्यान में चार बड़े बड़े शत्रु आ जाते हैं, एवं अस्य अंगिनो निर्विकल्पस्य लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लक्षणा चत्वारो विघ्ना संभवन्ति। चार बड़े बड़े विघ्न आते हैं साधना के मार्ग में, बहुत बढ़िया याद रखना है, मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए इसको जो है ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई बार इसको पढ़ाया हुआ है, इस शास्त्र को नहीं पढ़ाया, इस चारों चीज़ों का नाम गिना है, लय विक्षेप कषाय और रसास्वाद। तो कौन कौन से हैं, चारों की परिभाषा यहाँ पर है, लय की परिभाषा, वो परिभाषा अगर समझना चाहो तो है, बाकी विषय सब समझा हुआ है। लय माने लय तावद अखंड वस्तुन अनवलंबन चित्त वृत्ति निद्रा, ये जो हमारा चित्त है ये अखंड वस्तु में लगाना चाह रहे थे, तो उस अखंड वस्तु में अपनी आत्मा में अनवलंबन अभी टिका नहीं, वहाँ तक पहुँचा नहीं, बाहर के विषयों से चित्त हमारा हटाया, हमने बाहर के विषयों से चित्त हटाया, आत्मा में लगाना था और आत्मा में ये लगा नहीं अनवलंबन, और थोड़ी देर तक हम होश में न रहे, उसका नाम क्या हुआ, मतलब बाहर का भी चिंतन नहीं कर रहे थे और अपने अखंड वस्तु में भी ये पहुँचे नहीं, और बीच में होश गायब, तो उसका नाम हो गया लय। लगभग ध्यान के समय में होता है, लगभग चित्तवृत्ति निद्रा जमहाई नींद, ये है ये सत्संग का दोष है, सत्संगियों के भीतर बाकायदा आके बैठता है कौन, लय। इसीलिए आँख बंद करके ध्यान लगा के सत्संग सुनना मना है, कई बार हाँ हमारा सुनो तो सत्संग नहीं सुनेगा, लय में चला जाएगा धीरे धीरे, हाँ होते हैं कई बार, आँख बंद करके ध्यान लगा के, ध्यान करना है कमरे में करो तो लय आ जाएगी, लय का परिभाषा, लय तावत अखंड वस्तु अनवलंबन, अखंड वस्तु का आलंबन भी नहीं हुआ और चित्तवृत्ति हमारी सो गई, इसका नाम हुआ चित्तवृत्ति सो गई, मैंने बाहर के विषयों की अनुपलब्धि हो गई। दूसरा, अखंड वस्तु आलंबने न चित्तवृत्ते अन्य आलंबनम विक्षेप, विक्षेप क्या है, अखंड वस्तु आलंबने, अखंड वस्तु का भी आलंबन करती है और कभी कभी अन्य आलंबनम दूसरे का भी आलंबन करती, आलंबन माने दूसरे का भरोसा, दूसरे का विश्वास, तो ये चित्त कभी अपने भीतर भी आ जाता है और कभी बाहर भी दूसरे पर भी भरोसा करने लगता है, इसका नाम हो गया विक्षेप, और जहाँ भरोसा करता है वहीं भटक जाएगा चित्त। हम ध्यान करने बैठे अपनी आत्मा का, और आत्मा का ध्यान करते करते नहीं भगवान है सब कुछ, तब तक चित्तवृत्ति पहुँच गया, नहीं वकील के पास जाना, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाई मिलेगा, वकील के पास जाएंगे तो काम, तो हमने उसका भरोसा किया ना, डॉक्टर का भरोसा किया, वकील का भरोसा किया ना, तो ध्यान करते समय चित्तवृत्ति वहाँ चली गई, तो इसका नाम हुआ विक्षेप, साधना के समय में विक्षेप, क्योंकि हमने किसी और का भरोसा कर लिया, जिसका भरोसा करते हैं चित्त वहीं पर जाता है। तीसरा देखो, लय विक्षेप अभावे अपि चित्त वृत्ते रागादि वासनाया स्तब्धि भावात अखंड वस्तु अनवलंबनम कषायः, चित्त वृत्ति में ना तो चित्त वृत्ति में ना तो लय है और ना विक्षेप है, विक्षेप में क्या है, बाहर किसी पर भरोसा है कि इससे हमारा काम बन जाएगा, इससे हमारा काम हो जाएगा, तो वहाँ भी जाता है, लेकिन काम बनने का ना भी होवे, लेकिन कहीं पर राग बहुत होवे, द्वेष बहुत होवे, जैसे शत्रु का भाव, ममता बहुत होवे, आप कहो चाहे ना कहो, यशोदा मैया का ध्यान गया था मथानी वाला पर, लाला को क्या पिलाएंगे, याद आया ना, हाँ
जाता है ध्यान, क्यों गया? अब वहाँ बच्चे पर भरोसा नहीं कि वो मेरी रक्षा करेगा, मेरे भला करेगा, रक्षा करेगा, इसकी बात नहीं, लेकिन बच्चे से राग है, ममता है। तो ध्यान करते समय चित्त वहाँ पर जा करके स्तब्धि भाव वही टिक गया, जिससे राग है, जिससे आसक्ति है, जिससे द्वेष है, रागादि, रागादि माने सब कुछ सारे दोष आ गए। हाँ, जिस रागादि जहाँ पर ये सारा है, ये चित्त वृत्ति को हम लगा रहे थे परमात्मा में और भीतर से निकला, और जहाँ पर ममता मोह आसक्ति है वहीं पर जा करके चिपक गया अस्तब्धि भाव, और इतना चिपक गया महाराज कि फिर निकाल, और ये ऐसा मुसीबत है, शत्रु को जितना ही निकालोगे उतने भीतर जमा बैठा रहता है, है ना? उसको निकालने की कोशिश करो, हे दुश्मन भाग मेरे मत से, दुश्मन भाग मेरे मत से, दुश्मन भाग, फिर वो बंदर वाला हालत सुना है ना, बंदर वाली कहानी कि मंत्र का जाप करो और बंदर की याद है ना, याद आया ना? तो जितना ही निकालने की कोशिश करते हैं उतना ही वो वहाँ पर अस्तब्धि भाव, अखंड वस्तु अनवलंबनम, इसका नाम है कसाय। कसाय माने दोष, कसाय माने गंदगी, जैसे वस्त्र पर गंदगी लग गई, जैसे बर्तन में जो है कालापन लग गया, कसाय। क्यों? चित्त में राग द्वेष शत्रु मित्र ममता आसक्ति मोह, ये तमाम चीज़ों का कसाय चिपका पड़ा हुआ, उसके कारण गया बाहर, ये साधना में बहुत बड़ा दोष है। देखो क्या क्या सो जावें, नंबर एक, हमारा जो चित्त है वो किसी और पर भरोसा विश्वास करके भाग जावे, विक्षेप ममता करके वहीं जाके चिपक जावे, हाँ उसका नाम हो गया कसाय। अच्छा कोई बात नहीं, भीतर कभी ध्यान करते समय भगवान की याद आई, अखंड हाँ ये हमारे अयोध्या पार्टी महाराज भगवान का ध्यान आ जावे, दुनिया किस काम की, है ना? नहीं पर उत्तर जाता है। अखंड वस्तु अवलंबने न, देखो अखंड वस्तु अवलंबने न अपि चित्त वृत्ते सविकल्पक आनंद आस्वादानम रसास्वाद। अखंड वस्तु अवलंबने न, किसी अपने इष्ट देव का हमने आलंबन किया, अपने आराध्य का आलंबन किया, और आलंबन करते समय उनका चिंतन करने लगे, उनका चिंतन करते समय भीतर जो आनंद आने लगा उसका नाम है रसास्वाद। वो रसास्वाद बड़ा आनंद आता है, बहुत मजा आता है, अपने आराध्य का चिंतन करने में, अपने इष्ट देव का ध्यान करने में, भीतर अगर भगवान दिखाई पड़ जावे, बांसुरी बजाते, महाराज आँख खोलने का ध्रुव का मन ही नहीं कर रहा था। हाँ, सामने भगवान खड़े थे, ध्रुव आँख खोल, क्योंकि भीतर भगवान का दर्शन हो रहा है। इसका नाम है एक दोष, कौन सा? रसास्वाद। लेकिन अब देखो भागवत की बात है, भागवत की बात है, भागवत के चौथे स्कंद में ध्रुव की कथा है, चौथे स्कंद में ध्रुव की कथा है, और चौथे स्कंद का सूत्र है कि कईयों को भगवान का दर्शन हुआ लेकिन मन को शांति नहीं मिली। मन को पूरी तरह से शांति तब मिली जब कोई गुरु रूप में उनको उपदेश किए, तब कौन? जैसे पृथु, जैसे ध्रुव। ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ, बहुत आनंद आया कि भगवान खड़े थे आँख नहीं, ये रसा स्वादन दोष है। उसके बाद जब भगवान ने अपना कपोल शंख छुआ दिया, गाल को स्पर्श किया, तो ध्यान टूट गया, बाहर देखा, उसके बाद फिर घर गृहस्थी याद आ गई, फिर लौट करके आए, फिर उनको राजा बना दिया गया। राजा बनने के बाद में फिर उनके पिताजी चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए, नाम क्या था मैं भूल गया, हाँ अच्छा सब, उनके पिताजी जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। उसके बाद ध्रुव का दो विवाह हो गया, तीन बच्चे हो गए। तो गृहस्थी में कोई दुख हो गया कि नहीं हो गया? अब इतना तो हम अब ज़्यादा नहीं कहेंगे और आगे। उसके बाद एक बार यक्षों से जो है उनके भाई का, सौतेले भाई का लड़ाई हो गई, नाम था उत्तम, और लड़ाई हो गई तो इतनी लड़ाई हो गई कि उत्तम को मार डाला यक्षों ने, मरी गया उत्तम। जब उत्तम मरी गया तो इनको पता लगा, तो इतना गुस्सा आया कि इन्होंने धनुष बाण लेके चढ़ाई कर दिया, गंधर्वों पर यक्षों पर सबको मार डालूंगा, और नारायण अस्त्र लिया, ये अब भी सबको मारता हूँ। किसी ने कहा सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, नारायण अस्त्र मत चलाओ, ये ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा है,
ध्रुव ने कहा हमको बदला लेना है दुश्मनी से, चाहे सृष्टि रहे चाहे जावी। तब मनु महाराज जाके प्रकट हो गए, अलम वत्स अतिरोषेण द्वारम पापम आत्मना। हे वत्स, ए तीर उतारो उतारो, क्रोध मत करो, क्रोध पाप कर मूल। जब मनु महाराज ने दादा है ना, ध्रुव के पिता उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिता मनु, जब दादाजी ने डांटा तब अपना धनुष उतार के रखा, फिर चरण में पड़ गए। मन बड़ा बेचैन है। मनु महाराज ने कहा बैठो मैं सुनाता हूँ। मनु महाराज गुरु बन गए, उसी से बन गए, उससे शांति मिली। अबे भागवत जी में लिखा है, ये भागवत जी में लिखा है, प्रवचन में सुनाया नहीं जाता। लिखा है चौथे स्कंद को पढ़ लेना उठा करके। इसलिए महाराज भगवान का जो दर्शन हुआ उसमें रस बहुत है, लेकिन वो भी बाधा है, वो भी बाधा है। तो अच्छा, प्रहलाद को दर्शन हुआ, शांति हो गई। नरसिंह भगवान के बाद में पढ़ना फिर आप, पूरा का पूरा युधिष्ठिर और नारद का संवाद है छठ सातवें स्कंद में। अगर मैं कथा सुनाऊं तो नहीं बोलूँगा, वहाँ तो कहूँगा सारी दुनिया का सुख एक तरफ, अपने प्रभु के ध्यान में चित्त इतना सा लग जाए। कितनी देर तक चित्त लगे, बोले जैसे फन वाला सांप खड़ा होवे, फन उठा के और उसके फन पर एक राई का दाना रख दो, तो जितनी देर तक राई का दाना उसके फन पर टिकता है उतनी देर तक अपने इष्ट देव में मन लग जावे तुम्हारा बेड़ा पार। कितनी देर तक फन, वो फन कितनी देर तक, इतनी देर तक भी आपका मन लग जाए, है ना वृंदावनी कथा। तो वहाँ पर हमको ये कहना हो भैया, लेकिन सत्य तो है कि जब आप बहुत रस लेने लगे आप फंस गए आनंदमय कोष में, वो भी एक बाधा है ध्यान के मार्ग। और इसको रामकृष्ण परमहंस के जीवन में डालो, काली माँ का ध्यान कर रहे हैं, जब तोतापुरी और रामकृष्ण परमहंस का संवाद में चले जाओ, हाँ तब तोतापुरी कहते नहीं काटो, कारली को भी काटो, बोले आराध्य है कैसे, फिर इशारा किया मस्तक पर थोड़ा सा, वो सब प्रसन्न सुनते हो। हाँ ठीक है, रसा स्वाद में नहीं फंसना है। चार दोष हो गए, लय विक्षेप कसाय रसा स्वाद। हाँ। अच्छा सत्संग में आता है कि नहीं चारों, लय तो आता ही है, जमहाई देवी लय आता है, विक्षेप ये दुश्मन कहाँ से आके बगले में बैठेगा। चिंतन ध्यान लगाना था सत्संग में, अब बगल में दुश्मन का ध्यान जाने लगा, क्या आया विक्षेप, है ना कसाय। अरे कसाय माने पोता को गोद में लेकर बैठ गई सत्संग में, पोता को गोद में लेके बैठ गई, क्या हुआ कसाय है ये सत्संग में कसा। अरे वो पोता नहीं मैं कह रहा हूँ, चलने फिरने वाला नहीं कह रहा हूँ, बजने वाला रोने वाला पोता। अच्छा सत्संग सुनते सुनते मोबाइल नहीं देखते हो, किसका मैसेज आया वो कसाय है। रसा स्वादन सत्संग सुनने में बड़ा मजा, आज तो सत्संग सुनने में मजा आ गया, मजा आ गया। रस संत लोग जो जो विद्वान संत लोग हैं बहुत नाराज होते, क्या मजा आया, मजा आया मतलब तुम्हारे अहंकार की पुष्टि हो गई, तुम्हारे अभिमान को पोषण मिल गया, इसीलिए तो मजा आया। जो तुम्हारा विचार है जिस विचार के कारण तुम दुखी हो रहे हो सिर से नख तक लेकर के, यही कहा था, उसी विचार का पोषण हो गया, तुम्हारे विचार के अनुसार बता दिया तो तुमको मजा आ गया, क्योंकि तुम्हारे विचार को मिटाने के लिए कह देते, तुम्हारा विचार गलत हो तुमको अच्छा ना लगता, ते मिलाते अहंकार को मिटाने के लिए कहा जाता। तो जिस सत्संग से मजा आया उसमें कहाँ से, वो तो दोष हो गया, रसस्वादन दोष है। सुनने वाला भी मजा मस्त, सुनाने वाला भी मस्त, राम मिलाई शोरी, कोई रसस्वादन के लिए थोड़ी है। तब हमको लगता है डोंगरे जी महाराज का सत्संग सबने जिसने भी सुना होगा। चलो अशुभ वासना ना सही तो शुभ वासना, तीन वासना मानी जाती है, देह वासना लोक वासना तीसरा शास्त्र। तो रसा स्वादन थोड़ा सा तो है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है, वेदांत सुनने में मज़ा आ गया,
बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब कि आज के दिन हमारे जो है हमारी ममता आसक्ति राग द्वेष हमारी अविद्या पर चोट नहीं की गई। हमारी बुद्धि में जितना ज्ञान था ज्यों का त्यों था उसी ज्ञान में एक ज्ञान और बता दिया गया, तब हमारी बुद्धि को बहुत रस आ गया। निषेधात्मक नहीं हुआ, नेत नहीं हुआ, बाध नहीं किया गया, बल्कि जो हमारे विचार हैं उसी में दो विचार नए और मिल गए तो हमारी बुद्धि मस्त हो गई। आज वेदांत सुन के मज़ा आ गया। हाँ, क्योंकि हमारी बुद्धि छोड़ने के लिए तैयार नहीं ना, तो इसलिए दोस्त तो है। अब चाहे खैर विचार करना। तो सम अध्यारंभ समय सविकल्प आनंद आस्वादनम वह समाध्य नहीं समाधि आरंभ समय सविकल्प का आनंद आस्वादनम वह वा माने दुब अथवा जैसे पहले कहा रसास्वाद क्या है तो पहले कह दिया कि चित्त वृत्ति जहाँ पर राग है वहाँ पर पहुँच गई। तो और फिर या तो समाधि कर रहे हैं, समाधि करते समय सविकल्प देखो सविकल्प समाधि लग गई उसमें भी रसास्वादन आने लगा तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। जब आगे बढ़ेंगे नहीं तो वहीं अटक गए। क्या कहते हैं अब इसका देखो इस प्रसंग का जो है समरी करें। अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितं चित्तं निर्वात दीपवद अचलं सद अखंड चैतन्य मात्रं अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्प का समाधि इति उच्यते। तद उक्तं लये संबोधये चित्तं विक्षिप्तं समयेत् पुनः सकसायं विजानीयात् शम प्राप्तं न चालयेत् नास्वादयेत् रसं तत्र निसंगा प्रज्ञया भवेत् इति यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता। अनेन विघ्न चतुष्टयेन ये चार ध्यान में विघ्न हैं साधना के मार्ग में लय विक्षेप कसाय ये चारों विघ्न से विरहित चित्त विरहित माने चारों विघ्न चित्त में ना आना चारों विघ्न निकल गए और चित्त हमारा चारों विघ्न नहीं तो लय नहीं कैसा है निर्वात दीप वचलम ऐसा दीपक जल रहा है जहाँ पर कोई हवा का वेग नहीं तो बिल्कुल लौ सीधी उठती है हवा का झोंका नहीं है। जैसे मान लो लैंप में पूरी तरह से हवा रोक दोगे दीपक बुझ जाएगा लेकिन आंधी होगी तो दीपक बुझ जाएगा। जैसे लैंप का हमने जो है शीशा लगाया चारों तरफ से बीच में ज्योत जल रही है वहाँ पर कोई हवा का वेग नहीं है और वो लौ सीधी ऊपर उठती है निर्वात दीप सदा अखंड एक चैतन्य मात्रम। इस प्रकार से भीतर एक ज्ञान की वृत्ति हो मैं अखंड स्वरूप हूँ चैतन्य स्वरूप हूँ एक हूँ इस अवस्था में जो रहता है वही समाधि है। ना लगे उपाय बताते हैं एक कारिका है गौड़पादा जी महाराज की कारिका है। हाँ लये का संबोधय चित्तम जब लय का दोष आवे तो अपने चित्त को डांटो संबोधित जैसे हम डंडा लेके बच्चे को डांटते हैं क्लास में ए सीधा बैठ जैसे क्लास में अध्यापक है तो ऐसे मन को डंडे से डांटो लय संबोधय चित्तम ए चित्त सावधान अपने चित्त को जगाओ। अच्छा विक्षेप होवे तो समय उसको कंट्रोल करो सम करो मनोनिग्रह करो प्रतिपक्ष भावना से नियंत्रण मिलाओ। सा कसायम बिजानीत अगर कसाय रूपी दोष है तो अच्छी तरह से विवेक पैदा करो बिजानियत ज्ञान प्राप्त करो ज्ञान से थोड़ा सा शोधन करो और सम प्राप्त सम मनोनिग्रह को प्राप्त करके न चालाए चलायमान मत हो। ये उपाय हैं कारिका में जानना पड़ेगा। रसास्वाद हो जाए तो ना आस्वादयेत रसम आस्वादन मत करो मजा मत लो सत्संग में ध्यान में वो साधना के लिए है हमारा आगे बढ़ने के लिए है सुख मिला बहुत अच्छा आगे बढ़ो। हाँ जैसे महात्मा लोग कहानी सुनाते हैं महात्मा लोग कहानी सुनाते हैं बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि कोई महात्मा जी के पास चार मित्र गए उन्होंने कहा महाराज बहुत भूखे हैं गरीब हैं हमारा घर में खर्चा नहीं चलता। महात्मा जी ने चारों को चार
कोई बाती दे दिया, दीपक दे दिया और कह दिया लो इसको लेकर के पहाड़ की तरफ चले जाओ, जहाँ गिरेगा, जहाँ तुम्हारा दीपक गिर जावे वहीं खोद लेना, वहीं खोद लेना, खुदाई करना, तुमको खजाना मिल जाएगा। अब चारों मिलके चल पड़े, महात्मा का दिया हुआ लेके चले, तब तक एक का गिरा, एक का गिरा, उसने वहीं पर रुका, जैसे खोदा तो वहाँ तांबे का खदान मिली, कॉपर कॉपर तमाम। उसने कहा बड़ा बढ़िया, मस्त, मजा मजा। उसने तीनों को रुका, अरे बहुत हमारे दरिद्रता दूर, बहुत रुक जाओ। तीनों ने कहा नहीं नहीं, अभी हमारा थोड़ा और आगे गए, दूसरे का गिरा। जैसे दूसरे का गिरा महाराज, उसने कहा अब खोदू खोदू खोदू। उसने खोदा, वहाँ सोने चांदी का मिला खदान। अरे अब दोनों को, अरे मित्र बहुत है यहाँ चांदी, रुक जाओ मत आगे, यहीं रुक जाओ, देखो कितनी सारी चांदी, हम लोग सब अमीर हो गए। उनका जब पहले तांबे का मिला फिर चांदी का मिला, आगे शायद और आगे चले। जब दो आगे चले, अब वो तो वहीं रुक गया चांदी वाला, दो आगे चले, एक तीसरे का गिरा, उसने खोदा तो वहाँ सोने की खदान मिली। ओ महाराज, सोने की खदान मिली, जैसे ही देखा उसका दिल गदगद। पहले वाले को कहा अरे इतना ही सा सोना तुम्हारी गरीबी दूर देख कर देगा, मत जाओ। और एक जो बचा था उसने कहा आगे न जाने क्या हो, बाबा जी का दिया था, अरे पहले तांबे का मिला फिर चांदी का मिला फिर सोने का मिला, ना मैं रुकूंगा नहीं, और आगे चलूंगा। और आगे गया और आगे गया और आगे गया, तो एक जगह पर फिर बाती खोदी, खोद डाला, वहां पर कुछ नहीं मिला, खोद डाला कुछ नहीं मिला। उसने कहा हाय हाय घाटा हो गया। तब तक देखा वहीं पास में एक पेड़ के नीचे महात्मा जी बैठे, वही गुरु जी बैठे मुस्कुरा रहे थे। अच्छा खोद 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 खोद। उसने कहा गुरु जी कुछ नहीं मिला? अरे बोले मैं तो मिला ना, चल बैठ ज्ञान प्राप्त कर, तू आत्मा में बैठ। वो सब सोना पाए कितने दिन खाएंगे, कितने दिन खाएंगे, एक दिन मर जाएंगे। चांदी पाए कितने दिन खाएंगे, मर जाएंगे। तो उसको मैं नित्य आत्मा का ज्ञान, तो इसलिए आस्वादन मत करो, ध्यान में जरा सा रस आने लगे तो और आगे बढ़ो, यही कह रहे हैं, रसास्वाद में मत फंसो, आगे बढ़ो, अभी साधना और करते जाओ, शायद आगे और है, शायद आगे और है। कैसे? फिर उसको कहा यथा दीप निवात, गीता का है, जैसे दीपक बिल्कुल हवा से रहित स्थान में रहता है, वैसे यहाँ पर एक प्रसंग पूरा हुआ साधना का। जो पहुँच गया उसके लक्षण क्या हैं, जीवन मुक्त हो गया उसके लक्षण क्या हैं, आगे शुरू होता है जीवन मुक्त के लक्षण, हम उसको कल विचार करेंगे शाम को।